डॉक्टर अजय देवगन स्टारर फिल्म गोलमाल अगेन 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने 8वें दिन यानी शुक्रवार को 7.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन 143.3 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं ओवरसीज में शुक्रवार तक फिल्म की कमाई 31.86 करोड़ रुपए रही, यानी कि वर्ल्ड वाइड यह फिल्म अब तक करीब 175 करोड़ रुपए कमा चुकी है। बाहुबली 2 की कमाई की आधी भी नहीं पहुंची। डैश भले ही गोलमाल बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई हो, लेकिन साउथ इंडियन फिल्म बाहुबली 2 : द कंक्लूजन का हिंदी वर्जन कलेक्शन अब भी इससे बहुत ज्यादा है। गोलमाल इसकी आधी कमाई भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई है। डैश बता दें कि एसेस राजामौली की प्रभास और राणा द गुप्ती स्टारर इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 511 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। रिलीज के बाद महज 6 दिन में इसका कलेक्शन 200 करोड़ और 10 दिन में 300 करोड़ रुपए पार हो गया था।